आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा दो दिवसीय धर्म महासम्मेलन का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय में किया जा रहा है। उसी क्रम में शनिवार को आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाला गया। आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा नारमल स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय में से शोभा यात्रा निकालकर शास्त्री चौक, अम्बेडकर चौक, बेतिया हाता चौक होते हुए शोभा यात्रा पुनः माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लिए जल ही जीवन है, मानो भाई भाई के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस शोभा यात्रा के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आनंद मार्ग प्रचारक संघ के पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी हरीश आनंद और धूत ने बताया। आनंद मार्ग धर्म मेरा नाम है आचार्य हरीशानंद अवधूत। मैं संगठन का पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी हूं, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है इसको मैं देखता हूं। आज हम लोग धर्म महासम्मेलन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष से लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, नेपाल से आए हैं, प्लस एब्रॉड से भी कुछ हमारे साधकगण लोग आए हैं। जहाँ तक यहाँ ये आज प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि इस धरती पर हमारे श्रद्धे गोरखनाथ की धरती पर हम लोग आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आध्यात्मिक पुरुष बने, नैतिकवान बने और समाज निर्माण करें। हम लोग व्यक्ति से लेकर समाज का निर्माण करने के लिए, हम ये संदेश देने के लिए आनंद मार्ग का जो मुख्य उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, उसको लेकर हम लोग उसका उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज इस धरती पर आए हैं। हमारे जो संगठन के जो प्रमुख है, हम आचार्य विश्व देवानंद अवधूत पुरोधा प्रमुख आनंद मार्ग प्रचारक संघ, वो प्रवचन सुबह का प्रवचन दिए और उसमें भक्ति का संदेश प्रवाहित किया। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम दो दिन तक चलेगा, आज और कल, मतलब 12 और 13 को। फिर उसके बाद लोग सब अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच जाएंगे। हम लोग पूरे दुनिया में सेवा और साधना का ये संदेश देते हैं। सेवा के माध्यम से हम लोग अनाथ आश्रम है, ये रिलीफ है, बाढ़ है, भूकंप है, ये मेडिकल कैंप है, ये सब हम लोग करते हैं। और आत्मोक्ष के लिए हम लोग राजा धीराज योग की साधना सिखाते हैं। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसके पहलू हैं और ये सबके लिए खुला है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के लिए है।
जो मानव का शरीर लिए हैं इसके पाने का अधिकारी हैं। इसके लिए हजारों हजार सन्यासी इस आनंद मार्ग में इसका उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को सिखाते हैं। इसलिए हम ये गोरखपुर के वासी को आमंत्रित करते हैं, ये ध्यान सीखें। ध्यान से आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर में विकास होगा। तो बस हम यही छोटा सा संदेश आपका। धन्यवाद।